ग्रेटर नोएडा गौरव चुंदेल की पत्नी ने ज्वाइन किया निजी स्कूल। जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने ये नौकरी उनको दिलाई है, तो परिजन लगातार सरकारी नौकरी की मांग यहां पर कर रहे थे, जिसके बाद अब उनकी स्थिति को देखते हुए ये नौकरी, तो परिजन लगातार सरकारी नौकरी की मांग कर रहे थे। योगी सरकार ने नौकरी का आश्वासन दिया था और इस आश्वासन के बाद ये नौकरी उनको दी गई है। तो ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, गौरव चुंदेल की पत्नी ने निजी स्कूल ज्वाइन किया है, सरकारी नौकरी की मांग हालांकि यहां पर गौरव चंदेल के परिजनों की तरफ से की जा रही थी, लेकिन अब उन्हें एक निजी स्कूल में नौकरी दिलवाई गई है। योगी सरकार ने उन्हें नौकरी का आश्वासन दिया था, जिसके बाद उन्होंने निजी स्कूल ज्वाइन किया है। तो ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। तो जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने ये नौकरी गौरव चंदेल की पत्नी को दिलाई है। तो गौरव चंदेल की अपने दफ्तर से आते वक्त उनके साथ लूटपाट की गई थी, उनकी फिर हत्या की गई और उसके बाद कई गंभीर पेच जो है वो इसमें फंसते हुए नजर आए थे। और इसी बीच संवाददाता अक्रम खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अक्रम, गौरव चंदेल की पत्नी ने निजी स्कूल को ज्वाइन किया। अक्रम, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल मुझे आपकी आवाज मिल रही है। देखिए मैं बता दूं कि 6 दिसंबर की रात को गौरव चंदेल की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद लगातार जो शासन के अधिकारी हैं और जो रेंज के अधिकारी हैं वो गौरव चंदेल की पत्नी के घर पहुंचे थे उन्हें सांत्वना देने। इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि थे वो भी मौके पर पहुंचे थे और इसी के बाद जो परिवार की स्थिति उसको देखते हुए लगातार गौरव चंदेल के परिवार की तरफ से मांग की जा रही थी कि पत्नी को उनकी को सरकारी नौकरी मिले, इसके अलावा जो परिवार है उसे आर्थिक सहायता दी जाए। तो सरकार ने फौरी तौर पर तब शासन ने परिवार को धनराशि दी थी सहायता के लिए, इसके अलावा जो नौकरी की मांग की जा रही थी तब आश्वासन दिया गया था। हालांकि अब जो जेवर विधायक है धीरेन्द्र सिंह, उन्होंने गौरव चंदेल की पत्नी को सहायक अध्यापक के रूप में एक निजी बिल्कुल, लेकिन अक्रम सरकारी नौकरी की मांग यहाँ पर की जा रही थी और सीएम की तरफ से आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन अभी जिस तरह से निजी स्कूल में नौकरी ज्वाइन की है गौरव चंदेल की पत्नी ने, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या अभी ये फौरी मदद? बिल्कुल, देखिए इसे फौरी मदद ही कहा जाएगा। और जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी तो जेवर विधायक के माध्यम से भी यही बताया गया, क्योंकि शासन से सरकारी नौकरी मिलने में कई फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, इसको लेकर जो परिवार की स्थिति को देखते हुए अभी उन्हें फौरी राहत दी गई है और एक जो निजी अस्पताल है, क्योंकि वो सॉरी माफ कीजिएगा निजी जो स्कूल है उसमें सहायक अध्यापक के तौर पर ज्वाइन कराया गया। हालांकि जो सूत्र है हमारे वो ये बता रहे हैं कि शासन से लगातार प्रक्रिया चल रही है और उन्हें जल्दी सरकारी नौकरी दिलाई जाएगी, लेकिन ऐसे में परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए और परिवार की मांग के अनुरूप ही उन्हें एक प्राइवेट स्कूल में सहायक अध्यापक के लिए ज्वाइन कराया गया है परिवार की स्थिति को देखते हुए। तो फिलहाल जो सरकारी नौकरी है वो अभी नहीं मिली है, लेकिन निजी स्कूल में उन्हें फौरी राहत देते हुए सहायक अध्यापक के बिल्कुल, लेकिन अक्रम जो लगातार सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है इस पर क्या कुछ कहना है सरकार के नुमाइंदों का और ये जो परिजन है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है अभी फौरी मदद को लेकर? देखिए परिजनों की लगातार सरकारी नौकरी के लिए मांग है, लेकिन आज जब उन्हें नियुक्ति पत्र एक प्राइवेट स्कूल में दिया गया है इसे वो फौरी राहत मान रहे हैं। उनका कहना है कि लगातार शासन से उनकी मांग है, जिसे जनप्रतिनिधि भी कह रहे हैं कि जल्द पूरा किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने वादा किया है और जो सरकार के नुमाइंदे भी गौरव चंदेल की हत्या के बाद उनके परिवार से मिले थे, तो उस दिशा में भी लगातार उनका कहना है कि काम चल रहा है और जल्दी उन्हें सरकारी नौकरी के लिए भी जो नियुक्ति पत्र है वो दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी एक प्राइवेट स्कूल में उनको ज्वाइन कराया गया है, वो जेवर विधायक के अपने प्रयास के थ्रू कराया गया है। अभी शासन से जो सरकारी मदद है उसकी आस अभी गौरव चंदेल के परिवार को है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्रम जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।